तो गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:45 और मैं निकल गया हूँ एक और राइड के लिए। फिलहाल तो रोड में पूरा सन्नाटा है गाइस, और तेल वगैरह तो मैंने कल ही डलवा लिया था क्योंकि 200 किलोमीटर जाना है आज। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ अति बिले टोल प्लाजा क्योंकि बाकी के लोग भी वहाँ पे आने वाले हैं आज, और मेरी साथ एक बिलियन भी आएगी वहाँ पे। तो मिलते हैं सीधा अति बिले टोल प्लाजा में। तो गाइस आज के मेरे ट्रिप की बिलियन पहुँच गई है हमारे साथ में, और ये बाकी के दूसरे जो राइडर हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया है क्योंकि ये 10-12 लोग आने वाले हैं गाइस आज भी। तो फिलहाल यहाँ पे चाय वगैरह पी लेते हैं और उसके बाद बताते हैं पूरी डिटेल ट्रिप की। तो गाइस हमको काफ़ी लेट हो गया था चाय वगैरह पीने में, लगभग 6:30 बज गए थे, और फाइनली हमने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर ली थी यरकट के लिए। और गाइस यरकट जाने के लिए आपको मेनली दो रूट मिलेंगे, एक तो आप सेल्लम सिटी होते हुए जा सकते हैं यरकट, और या तो आप चाहें तो सेल्लम हाईवे को आप करीमंगलम टाउन से छोड़ के यरकट वाला रूट ले सकते हैं। बट आज हम जो रूट फॉलो करने वाले हैं वो वाया सेल्लम सिटी रहेगा। तो गाइस फिलहाल तो आप ये व्यू इन्जॉय कीजिए पूरे रूट का, कितना अमेजिंग व्यू है, और ये पूरे सेल्लम हाईवे में आपको कृष्णागिरी तक मेनली इतने अमेजिंग व्यूज देखने को मिलेंगे। गाइस ये है सावरना भवन और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया यहाँ पे, और बहुत अच्छा खाना था। फिलहाल मैं वीडियो बना नहीं पाया बट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा लोकेशन का, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको पूरे सिमिलर नेम के इस रूट में। We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. तो गाइज अभी हमें ब्रेकफास्ट किए हुए आधे घंटे का भी टाइम नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट 9:15 के टाइम पे हमको एक और ड्रिंक ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि मौसम अचानक बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। और जिस प्लेस पे हम रुके हुए थे ये धर्मपुरी से 10 किलोमीटर टुवर्ड यरकट था, और यहाँ से 80 किलोमीटर और बचा हुआ था हमारा होम स्टे। तो गाइस बहुत ही कड़ाके की गर्मी पड़ रही है आज, और 77 किलोमीटर और बचा हुआ है अभी तो। भाई इतना गर्मी होगा ये सोचा नहीं था हमने, पानी वानी भी सब खत्म हो गया था तो हमने यहाँ पे बाइक रोक के थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिए। तो गाइज अगर आप गर्मियों में यरकट आने का प्लान बना रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप इनफ वाटर कैरी कर रहे हो अपने साथ, और पानी पीते रहो पूरी राइड में ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आप पूरी जर्नी को एंजॉय कर पाओ। अदरवाइज आपको जैसे हमको ब्रेक लेने पड़े इस वाली पूरी ट्रिप में छोटे छोटे, आपको भी ऐसे ब्रेक ना लेने पड़े और आप टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाओ। तो गाइस मुझे यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा व्यू पॉइंट दिखा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे बाइक रोक ली है। ये देखो गाइस क्या व्यू है यहाँ से, जितने भी छोटे छोटे पहाड़ हैं यहाँ पे सब कुछ यहाँ से दिख रहा है। चलो चलो गए सेल्लम सिटी से 30 किलोमीटर आगे हम लोग पहुंच गए थे यरकट, और यरकट एक छोटा सा टाउन है और यहाँ पे एक लेक भी है, अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और गाइस आपको यहाँ पे बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे, और आपको डेली यूज का सारा ही सामान आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा, और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप लंच या फिर डिनर पैक करके भी लेके जा सकते हैं। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं अपने होम स्टे में, हमको 5.5 घंटे का टाइम लगा यहाँ पहुंचने में आज, और आधा घंटा डिले हो गया क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो ब्रेक लेते लेते आए हम, बट जो भी है गाइस फाइनली सभी लोग सेफली पहुंच गए। तो गाइस ये है कुछ ऐसा व्यू यहाँ से, और देखते हैं कल सुबह यहाँ हमें
सनराइज़ देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो गाइस क्योंकि हम लोग 12:30 बजे एयरकट पहुंच गए थे और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था उसके बाद, तो हम लोग निकल पड़े लंच करने के लिए बाहर कहीं। और हम लोग जाते हैं द स्टे, हमारे रिजॉर्ट से ऑलमोस्ट 3 या 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमको ये रेस्टोरेंट मिल गया था और हमने यहाँ पे लंच किया। और लंच करने के बाद हम लोग पास ही में एक वाटरफॉल है तो वहाँ के लिए निकल पड़े। और गाइस जी वाटरफॉल जाने का जो रास्ता है ये बहुत ही एक ऑफ रोड रास्ता है और यहाँ पे हमने एक पिकअप महिंद्रा पिकअप बुक करवाई और हम निकल पड़े इस वाटरफॉल के लिए। सिंगल भी है हो गया तो बस। चलो गाइस बाय बाय कर दो बस। बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है यहाँ से मॉर्निंग व्यू। सनराइज व्यू तो नहीं बोल पाएंगे इसे क्योंकि अभी 8 बज चुके हैं सुबह के। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ और आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अभी हम सीधा निकलते हैं बेंगलोर के लिए और मिलते हैं आपसे सीधे किसी नेक्स्ट राइड में।